टुडेस टॉपिक टुडेस टॉपिक इज होमोजिनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजिनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग द मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल यहाँ पे हमारे पास सेकंड कैटेगरी है सेकंड मेथड है एनसीईआरटी में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले हम हाउ टू आइडेंटिफाई दिस इक्वेशन इज होमोजीनियस और नॉट ओके सो फर्स्ट वी टेक द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ फंक्शंस टू क्लैरिफाई अवर टॉपिक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सो लेट अस कंसीडर सम सम डिफरेंशियल इक्वेशन लाइक दिस सपोज माई इक्वेशन इज डी एक्स इज इक्वल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई वाई देन इन दिस डिफ्रेंसियल इक्वेशन यू एन यू कांट यूज द मैथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल आप यूज करके देख लो वेरिएबल सेपरेट हो ही नहीं रहे हैं आप कैसे करोगे देखो वाई कॉमन करोगे

वी हैव फंक्शन एफ एक्स एफ वन एक्स फर्स्ट फंक्शन एफ वन एक्स वाई एक्स एंड वाई में फंक्शन है दैट इज वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई नाउ कंसिडर द सेकेंड फंक्शन एफ टू वाई एफ टू एक्स वाई वी आर गोइंग टू जस्ट राइट फंक्शन एंड वी आर कंक्लूड द सम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस थ्री वाई 2y minus 3x and suppose we take a trigonometric function like here these are the function not differential equation okay so we are just dealing with the function so th if you look at this function in this function suppose if we are right going to write this function in x replaced by lambda x and y replaced by lambda y then what is the structure of the function f1 एफ वन का क्या स्ट्रक्चर होगा आप बताओ दिस इज लैमडा स्क्वायर दिस इज स्क्वायर वाई दिस इज टू एक्स के प्लेस पे आप लैमडा रखोगे लैमडा एक्स वाई के प्लेस पे लैमडा वाई तो बेसिकली वट आई मीन टू से वी आर एबल टू राइट डाउन अब यहां से आप लैमडा कॉमन कर सकते हो एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ फिर आपको यहाँ पे बताता हूँ ठीक है ये इसको डिलीट कर देते हैं ओके सो इन फर्स्ट फंक्शन वी आर गोइंग टू पुट लैमडा एक्स इन द प्लेस ऑफ एक्स एंड लैमडा वाई इन द प्लेस ऑफ वाई देन वॉट हैपन देन दिस इज लैमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड द सेकेंड वन इज टू lambda x lambda y now in this way you can take the lambda square common yes we can take the lambda square common and the final picture is again the same and that is y square plus 2xy okay so keep it that means just putting the lambda x and lambda y you are able to take the common all lambdas Okay, so just second observation is just observe this in the second observation f2 again. We are going to replace lambda x and lambda y x replaced by lambda x. In the second observation, the same pattern. What is the pattern? Pattern is 2 lambda x lambda y. In fact, this is lambda y minus 3 lambda x again in this you can take lambda common this is two y minus three x again the first function can be written as lambda square into f one x y and the second function is also written as lambda times of f x y okay agree no problem at all suppose we are going to f three y. अगेन रिप्लेस लैमडा एक्स एंड लैमडा वाई हमने क्या किया हुआ है सारे फंक्शंस में एक्स को रिप्लेस किया है यू कॉन्ट कॉमन द लैमडा आप यहां पर लैमडा को कॉमन नहीं कर सकते सो दिस इज नॉट इक्वल टू लैमडा टाइम्स ऑफ एफ थ्री एक्स वाई ओके सो इन दिस all functions f1x f2xy and f3xy f1 and f2 are known as homogeneous function what we call homogeneous function but f3 is not homogeneous so that means homogeneous functions are those function in which if you put lambda x and lambda y and you are able to take the common all lambdas ओके सो देन दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन अगेन वन मोर वन मोर ऑब्जर्वेशन हियर वी आर एबल टू टेक लैमडा स्क्वायर कॉमन सो दिस इज द होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू ये होमोजीनियस इक्वेशन है डिग्री टू का यहां सिंगल लैमडा हमने कॉमन किया है दिस इज इक्वेशन ऑफ डिग्री वन ये डिग्री वन का इक्वेशन है ओके सो बेसिकली if any function lambda x lambda y this is lambda to the power n f of xy then it is known as homogeneous equation Manif bar i repeat this is homo homogeneous equation यहाँ पे मैं डिफरेंशियल इक्वेशन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डिफरेंशियल इक्वेशन हम यहां पे सिर्फ इक्वेशंस पढ़ रहे हैं होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री एंड लेमडा पे जो भी पावर होगी दैट इज नोन एज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री एंड क्लियर आई थिंक इज इट क्लियर ओके द होमोजीनियस इक्वेशन हमने होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ लिया तो दैट मीन्स अब डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक इज होमोजीनियस सो होमोजीनियस इक्वेशंस हमने पढ़ लिए। नाउ द टॉपिक इज डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होंगे सो इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई इस टाइप का कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट का है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई ऑफ डिग्री जीरो डिग्री अभी हमने पढ़ा है लैमडा टू द पावर एन दैट इज डिग्री एन इफ ऑफ डिग्री जीरो कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन सो दैट मीन्स इफ द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ होमोजीनियस ऑफ डिग्री देन दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एक एग्जाम्पल्स लेते हैं

इस इक्वेशन में हम x को रिप्लेस करेंगे x इज रिप्लेस बाई लैमडा एक्स एंड वाई इज रिप्लेस बाई लैमडा वाई जस्ट पुट दिस इस इस साइड में हमें पुट करना है सिंपली सो इफ यू गोइंग टू पुट x इज रिप्लेस बाई लैमडा एक्स दैट मीन्स लैमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू लैमडा एक्स लैमडा वाई दैट मीन्स लैमडा स्क्वायर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से कॉमन कर सकते हो और वापस आपका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स वाई दैट मीन्स नो चेंज इन द इक्वेशन दैट मीन्स दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज लेमडा टू द पावर जीरो इफ यू आर एबल टू राइट लेमडा टू द पावर जीरो दैट मीन्स दिस इज द होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री जीरो लेमडा को हमने कॉमन भी कर लिया लेमडर टू पावर जीरो के फॉर्म में लिख दिया दैट मीन्स ये कैसा इक्वेशन है मोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री जीरो और डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्मेट में है इसलिए एक ऐसा इक्वेशन है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री जीरो होमोजीनियस यही हमारा सिलेबस है और हमें यही ट्वेल्थ क्लास में पढ़ना है ओके डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स बाई इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन और होमोजीनियस इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है अब पूरे इक्वेशन को y बाई एक्स के फॉर्म में या एक्स बाई वाई के फॉर्म में अगर लिख पाओ दैट इज द होमोजी इक्वेशन व्हाट आई मीन टू से सपोज मैंने कॉमन किया एक्स स्क्वायर डिनिनेटर से ओके सो दैट मीन्स वन प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर दिस इज अगेन और डिनोमिनेटर से कॉमन किया एक्स स्क्वायर एंड दिस इज अगेन टू वाई बाई एक्स कैंसिल हो गया अब आप यहां पे ऑब्जर्व करो ये पूरा का पूरा इक्वेशन दिस इज कंप्लीट इक्वेशन y बाई एक्स फंक्शन के फॉर्म में है दैट मीन्स आई कैन राइट एफ ऑफ y बाई एक्स अगेन इफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटर्न इन द फंक्शन ऑफ y बाई एक्स इट इज ऑल्सो होमोजीनियस इक्वेशन ये भी ध्यान रखना एक ही चीजें हैं लेमडा एक्स लेमडा वाई से जब आप रिप्लेस करते हो लैमडा को कॉमन कर लेते हो दैट मीन्स अगेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री जीरो ओके सो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री जीरो नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन ओके डिग्री तो अलग है डिफरेंशियल इक्वेशन की यहाँ पे हम होमोजीनियस एंटर कर रहे हैं जो हमने स्टार्टिंग में एक कॉन् कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होते हैं वहाँ पर लेमडा टू पावर एन लेमडा एक्स लेमडा वाई से रिप्लेस किया फिर लैमडा कॉमन किया लैमडा पे जो पावर्स थी उसको डिग्री बोला सो दैट मीन्स फिर डिफाइन किया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमो वाई सो दिस इज द होमोजीनियस इक्वेशन अब अगर हमारा इक्वेशन होमोजीनियस है तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो प्रॉब्लम आ रही थी मैथमेटिशियंस को जैसे सपोज करो यही सेम इक्वेशन सेम एग्जाम्पल्स मैं लेता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स वाई अब इसको आप वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हो क्या करके देख लो आपने सपोज सारे टर्म्स एक्स की डी वाई वाले डी वाई की तरफ पुट करने शुरू किए डी वाई मैक्सिमम आप यही कर सकते थे ना एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स अब यहां पे आप देखो डीएक्स के साथ वाई स्क्वायर वाले टर्म्स भी आ रहे कांट डिफ्रेंसीएट अब आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो ये इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं हो सकता दैट मीन्स वी आर नॉट एबल टू सॉल्व यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल सेपरेबल वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं ओके सो वट इट मीन्स हाउ वी कैन सॉल्व द सच टाइप्स ऑफ इक्वेशन हम इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे ओके तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन हाउ टू सॉल्व द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करेंगे सो सोल्यूशन इज वेरी सिंपल इफ डिफ्रेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ वाई बाई एक्स इस फॉर्म में तो वाई बाई एक्स इज रिप्लेस बाई अ थर्ड वेरिएबल दैट इज यू कैन से वी इन जनरल वी यूज करते हैं आप कुछ भी यूज कर सकते हो दैट मीन्स वाई कैन बी रिप्लेस बाई बी एक्स वाई को आप बी एक्स से रिप्लेस कर दो अब जब y को bx से रिप्लेस करोगे तो इक्वेशन रिप्लेस कर रहे हो बैलेंस करने के लिए हमें dy बाई डी भी रिप्लेस करना पड़ेगा दैट मींस y इज इक्वल टू बी एक्स दैट मींस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंसिएट कर दो तो ये हो जाएगा b फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंसिएशन वन एंड टू एक्स इंटू डी बी बाई डी एक्स दिस रिप्लेसमेंट आल्सो ये अगर हम रिप्लेसमेंट करते हैं किसी भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में सो आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन बट समटाइम्स क्या होता है मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स बाई वाई के फॉर्म में भी आ सकता है ये बाद में डिस्कस कर लेंगे पहले हम वाई बाई एक्स वाला कर लेते हैं ठीक है एक्स बाई वाई के फॉर्म में आएगा तब भी उसको बी रखेंगे थोड़ी सी में चेंजेस आएंगे तो अभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन वन बाई वन, वन करते हैं तो ये हमने सीखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन होते क्या हैं तो एक बार फिर से देख लेते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज आवर टॉपिक वी हैव कंसिडर टू थ्री फंक्शंस इन द फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन We observe that if we are putting lambda x and lambda y in the place of x and y, so this equation is like this x lambda square xy lambda xy means that means we are able to take the all lambdas common, but in the third one, we are not able to take lambda common. That means first and second is known as homogeneous equation. I repeat homogeneous equation. First is homogeneous equation of degree 2, and the second was it is the homogeneous equation of degree 1. Okay, but third one is the not homogeneous. So that means homogeneous equation if any function lambda x lambda y can be written as lambda to the power n f of x, f of x y. Then this is homogeneous equation of degree n. A degree n ke form bolesakte. दिस इज द होमोजीनियस इक्वेशन नाउ अगेन क्वेश्चन होमोजीनियस डिफरेंसियल इक्वेशन देन होमोजीनियस डिशियल इक्वेशन आर द डिफरसियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्मेट डी वाई बाईल हमारा डिफरेंसियल इक्वेशन इज इक्वल टू फंक्शन है और जो फंक्शन है दैट इज ऑफ डिग्री जीरो होमोजीनियस ये हमारा जो एफ 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 फंक्शन है यह अगर हमारा फंक्शन जीरो डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है तो हमारा इक्वेशन कैसा होगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ध्यान रहे जीरो डिग्री का होना चाहिए जीरो डिग्री के ही है हमारे सो डी वाई बाई डी एक्स एक एग्जाम्पल एक लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स वाई यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल से आप करते तो नहीं कर पाते तो दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ पे लेमडा एक्स और लैमडा वाई पुट किया सो दिस इज द सिचुएशन दैट इज एक्स स्क्वायर लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस lambda स्क्वायर वाई स्क्वायर सारे लेमडाज को कैंसिल आउट हो गए तो दैट मीन्स लेमडा को हम लिख सकते हैं लेमडा टू पावर जीरो तो दैट मीन्स दिस इज द होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री जीरो ओके सो नेक्स्ट और भी कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आइडेंटिफाई कर सकते हैं होमोजीनियस इक्वेशन को आप इसको वाई बाई एक्स के फॉर्म में एक्स बाई वाई के फॉर्म में दोनों ही मेथड हैं बट इन जनरल 90 परसेंट केसेस में हमें वाई बाई एक्स मिलता है तो हम वाई बाई एक्स वाला डिस्कस कर लें वाई बाई एक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं देखा न्यूमरेटर से सारे एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिए वाई स्क्वायर कॉमन कर लिए ओके okay, सो so, अब ये डिफ्रेंशियल इक्वेशन आपके पास है ये कैसा है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिकली वी आर नॉट एबल टू सेपरेट द वेरिएबल दैट मीस वेरिएबल सेपरेबल तो हो नहीं सकता तो हम यहाँ पे सब्जी करेंगे और सब्जीट्यूशन का एम होगा कि अपने प्रॉब्लम्स को वेरिएबल सेपरेबल में चेंज करना दैट मीन्स ये अभी वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो रहा है बट इस सब्सिट्यूशन से हो जाएगा सब्सिट्यूशन क्या होगा वाई बाई एक्स ज इक्वल टू बी दैट मीन वाई इज इक्वल टू बी एक्स हम पुट करेंगे ध्यान रखना ये याद कर लो आप वाई क्या पुट करेंगे बी पुट करेंगे दैट पुट करेंगे ओके सो दिस इज द वे हाउ वी कैन सॉल्व द इक्वेशन इसी फंक्शन में हम पुट करते हैं इनफैक्ट यही इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेते हैं ओके सो इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स वाई ये वेरिएबल से प्रेबल है नहीं है तो लीनियर डिफ्रेंशियल इक्वेशन वाले सब्सिट्यूशन करते हैं तो वाई बाई डी एक्स को हम रिप्लेस करेंगे देखना वाई बाई डी एक्स कैन बी रिप्लेस बी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स यही तो बताया था ये रिप्लेसमेंट हो गया ओके इक्वल टू एक्स के प्लेस पे हमें कुछ नहीं पुट करना है वाई इज रिप्लेस बाई बी एक्स दैट मीन्स बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स वाई इज रिप्लेस बाई बी एक्स दैट मीन्स बी एक्स ओके सो क्लियर है अब यहाँ पर न्यूमरेटर से आप एक्स स्क्वायर कॉमन कर सकते हो डिनमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन कर सकते हो सो देन फाइनल पिक्चर इज एक्स स्क्वायर कॉमन न्यूमरेटर वी हैव वन प्लस बी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कॉमन डिनोमिनेटर दैट इज टू बी स्क्वायर है कैंसिल आउट ओके So finally, we have x db by dx is equal to one plus b square upon two b minus b. That means one plus b square minus two b square upon two b. Okay. So finally, we have one minus b square upon टू बी एक्स डी बी बाई डी एक्स सो दिस इज द केस ये है हमारे पास पूरा केस अब यहां पर आप वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं अब वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं बी के टर्म्स बी की तरफ और एक्स के टर्म्स एक्स की तरफ लिख सकते हैं सो so, यहाँ पर हम एक ऐड कर लेते हैं एक छोटा सा पेज सो आई कैन राइट टू एक्स नॉट टू एक्स एक्स बेसिकली क्वेश्चन क्या था हमारा एक्स डी बी बाई डीएक्स सो आई कैन राइट एक्स डीबी बाई डीएक्स इज इक्वल टू वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू बी सो so, इसको आप वेरिएबल अब सेपरेट कर सकते हैं आपको आप देख पा रहे होंगे सो आई कैन राइट इट डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू टू बी अपॉन वन माइनस बी स्क्वायर डी बी तो सारा कुछ प्रोसीजर किसके लिए था वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए था नाउ यू कैन इंटीग्रेट यू कैन फाइंड द इज दोल्यूशन आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो इसको इंटीग्रेट कर सकते हो तो जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम थी जो मैं इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा था वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पा रहा था तो इन द केस ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन द सब्सटीट्यूशन इज सब्सिट्यूशन हमने क्या किया था अब आप ये कर लेना बी वाई इज इक्वल टू बी एक्स का सब्सटीट्यूशन किया तो सबसे पहले होमोजीनियस फंक्शन देखे फिर हमने देखा होमोजीनियस इक्वेशन होते कैसे हैं फिर हमने उसका सब्सिट्यूशन किया एंड देन फाइनल एम क्या था वेरिएबल सेपरेबल में चेंज करना होमोजीनियस इक्वेशन को दिस इज द फाइनल एम ओके तो एक्सरसाइज 9.5 फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 टू 5 वी हैव टू गिवेन अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस शो पहले तो हमें शो करना है दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन आपको डिफिनीशन बताई जा चुकी है बस उसी का यूज करना है एंड देन सॉल्व दिस तो पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर देखना पहला इक्वेशन क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैसे मैं आपको देख देता तो हूं जैसे आपके पास इक्वेशन आएगा कोई भी डिफरेंट होमोजीनियस इक्वेशन आता है तो जस्ट हमें क्या करना है डी एक्स और डी वाई वाले टर्म्स देखने हैं देखो यहां पे ये सिंगल टर्म्स है एक्स स्क्वायर इसकी डिग्री क्या है टू यहां पे क्या एक्स वाई है इसकी डिग्री वन वन टू यहां पे दोनों की वन वन टू मीन्स होमोजीनियस मीन्स क्या होता है होमोजीनियस एज द वर्ड देख पा रहे हैं होमोजीनियस सब जगह इक्वल होगा तो ये एक जस्ट लुकिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन यू कैन जस्ट गेस दिस इज द होमोजीनियस एक सिंपल तरीका है बट प्रूफ करने में हमें, हमें वही बेसिक कॉन्सेप्ट लेने होंगे ओके okay. तब इसको कैसे करोगे डी वाई बाय डी एक्स के फॉर्म में लिख दो सारे इक्वेशन को जैसे ही आप डी वाई बाय डीएक्स के फॉर्म में लिखोगे दिस इक्वेशन चेंज इंग टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स वाई आप लेमडा एक्स लेमडा वाई वाला प्रोसीजर भी ले सकते हो और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन भी कर सकते हो मीन्स पूरे इक्वेशन को हमें वाई बाई एक्स के फॉर्म में भी ले सकते हो तो कोई सा मैथड लिख सकते हो आप लेमडा एक्स लेमडा वाई भी ले सकते हो तो यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया सो दिस इज वन प्लस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर एंड दिस इज वन प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स दैट मीन्स दिस इज होमोजीनियस अगर आपने फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स के फॉर्म में लिख दिया है दैट मीन्स द गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस तो सिंपल प्रोसीजर इट इट इज ओके सो ये तो होमोजीनियस प्रूफ कर लिया अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे अब इस इक्वेशन को हम सोल्यूशन इसका कैसे करेंगे देखते हैं हाउ टू सोल्व द डिफ्रेंस इक्शन है अब हमने होमोजीनियस प्रूफ कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स दिस इज द होमोजीनियस इक्वेशन अब यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है वही वाई जिकल टू बी एक्स ये तो आप याद कर रखो जैसे होमोजीनियस हमें ये सब्सिट्यूशन करना है सो वाईज इक्ल टू बी एक्स पुट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी फिक्स है बी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स तो ये दो प्रोसीजर तो आप तुरंत रेडीमेड होने चाहिए आपके तुरंत हमें पुट करना है ठीक है तो आपको बताया जा चुका है तो दोनों हम इक्वेशंस में पुट करते हैं ओके सो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या फाइंड आउट हुआ था डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ओके okay, कर लेते हैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एक्स वाई ओके सो हम यहाँ पे सब्सिट्यूशन क्या करेंगे वाई इज इक्वल टू बी एक्स पुट करेंगे ठीक है और डी वी वाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे ये भी आपकी फिक्स होती है अब डिफ्रेंशिएट करके रखा करो ठीक है वैसे तो याद करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको याद होगा बी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स ये पुट कर देंगे सो डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करेंगे बी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के प्लेस पे क्या पुट करेंगे वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई को ही रिप्लेस करना है ध्यान रखना बी एक्स ओके सो अब यहाँ पे आप जो भी मॉडिफिकेशन है सिंप्लीफाई कर लो एक्स स्क्वायर कॉमन सो वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन वन प्लस बी दिस इज बी प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स ओके अब सिंप्लीफाई कर लो देखो मोटिव यही होता है सिंगल वेरिएबल में यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में सारा चेंज हो गया है एक ही वेरिएबल में होगा ये हर बार अगर आप करोगे क्वेश्चन तो समझ जाओगे सारे स्टेप्स तो एक्स डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन वन प्लस बी माइनस बी अब ये जब सिंप्लीफाई आप कर रहे हैं तो ये आ रहा है वन प्लस बी स्क्वायर माइनस बी माइनस बी स्क्वायर अपॉन वन प्लस बी बी स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल एंड द फाइनली फाइनल पिक्चर इज एक्स डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस बी वन प्लस बी ओके सो ना इफ द अब आप वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हो तो आप क्वेश्चन में देख रहे हैं हमारा एम क्या है वेरिएबल को सेपरेट करना दैट इज़ आवर एम सो दिस इज वन प्लस बी वन माइनस बी दिस इज डी बी एंड दिस इज डी एक्स अपॉन एक्स ना यू कैन इंटीग्रेट अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं सो so, करते हैं इसका वन प्लस बी वन माइनस बी इसका इंटीग्रेशन आप कर लेंगे दोनों की डिग्री सेम है तो पहले तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए मीन्स डिवाइड कर लीजिए देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन वेरी इजली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को दिस इज सिंप्लीफाई कर लो यहीं पे ये तो सिंपल छोटा सा डिवीजन है सो माइनस वन प्लस टू अपॉन वन माइनस बी डिवाइड करोगे ना माइनस वन टाइम्स कर लेना ये दिस इज डी बी एंड दिस इज कंप्लीट इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैं इधर ही लिख देता हूँ ठीक है नेक्स्ट टाइम नहीं लिखना माइनस वन दैट इज माइनस बी प्लस टू टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ वन माइनस बी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी ओके सिंपल हैं ये सारे स्टेप्स स्टार्टिंग का स्टेप्स आपको ध्यान देना है बस माइनस बी माइनस बी मीन्स बी की वैल्यू हमने क्या ली थी वाई एक्स y is equal to b x दैट means b is equal to y by x एक्चुअली यहां पे y by x होगा y by x plus two two को भी आप लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं log ऑफ वन माइनस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर लॉग की प्रॉपर्टी कई बार हमने यूज की है That is log एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ओके सो दीज आर द दिम्पल स्टेप्स यू कैन फॉलो अभी और सिम्प्लीफाई हम कर सकते हैं इसको इन्फेक्ट कर लेते हैं ओके यहाँ तक आपने कर लिया होगा एक जगह छोटी सी प्रॉब्लम है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये स्टेप है बेसिकली ये जो स्टेप था यहाँ पे जब मैंने इसका लॉग लिया टू तो कॉमन हो गया लॉग ऑफ वन माइनस अपॉन माइनस वन यही तो माइनस साइन का डिफरेंस भी आएगा ना तो यहाँ पे बेसिकली हमें चेंजेस क्या करने होंगे सो so, कर लेता हूँ मैं चेंजेस ये माइनस कर दो आप ठीक है ये भी हटा देना ये माइनस कर देना तो लेट मी कंप्लीट सो कंप्लीट कर लेते हैं ना किसी का मैसेज भी नहीं आया था तो प्लस दिस इज अगेन माइनस दिस इज माइनस लॉग ओके तो so, ये भी मैं लॉग ऑफ वन माइनस बी फट से लिख देता हूँ सो लॉग ऑफ लॉग ऑफ वन माइनस बी अभी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है दिस इज अगेन माइनस तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम था अब यहाँ तक हमने सॉल्यूशंस कंप्लीट कर लिए हैं ओके okay. सो so, फाइनली ये फाइनल आंसर हो चुका है बट आप अभी टैली करोगे तो आंसर आपका टैली नहीं होगा थोड़ा सा डिफरेंट है तो यहां पर लॉग की प्रॉपर्टीज हम यूज कर लेते हैं सो दिस इज ऑल्सो कैन बी रिटर्न लॉग एक्स लॉग ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ लॉग ऑफ ये यहां से सिंप्लीफाई करते हैं एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू सी प्लस वाई बाई एक्स ओके माइनस कॉमन कर लेते हैं लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते हैं ये लॉग एक्स है सो एक्स इंटू एक्स माइनस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर लॉग की प्रॉपर्टी दैट मीन्स प्रोडक्ट हो गया एडिशन में और माइनस को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस सी माइनस वाई बाई एक्स सो दिस दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न लाइक दिस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई x माइनस वाई अपॉन एक्स होल स्क्वायर एंड दिस इज e टू द पावर माइनस सी माइनस वाई बाई एक्स लॉग ई की पावर में चेंज हो जाता है काफ़ी कन्फ्यूज़न है काफ़ी को यहाँ पे लॉग पे मैंने ये सब बता रखा है आपको e की पावर माइनस वाई बाई एक्स इंटू ई ई की पावर माइनस सी ई की पावर माइनस सी मीन्स अगर आप कॉन्स्टेंट पावर रेस करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है सो दिस कंक्लूजन एंड फाइनली आंसर इज एक्स इंटू एक्स माइनस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर माइनस वाई बाई एक्स इंटू सी कॉन्स्टेंट यहाँ पे पहले भी लगा सकते हैं सो दिस इज़ द दोल्यूशन आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं दिस इज एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ से और यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं सी एक्स ई की पावर वाई बाई एक्स आई थिंक ये आपका आंसर पूरा टी हो जाएगा ओके सो दिस इज द वे काफी डिटेल में मैंने आपको बता दिया है अब आप क्वेश्चंस कर सकते हैं कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं टू आप देख सकते हैं वाई डैश एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स तो ये तो आप होमोजीनियस इसको शो कर लेंगे फिर इसमें सब्सिट्यूशन क्या करेंगे वाई बाई एक्स इज इक्वल टू बी दैट मींस वाई इज इक्वल टू बी एक्स सब्सिट्यूशन करेंगे और डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करेंगे तो आप ये इन सारे क्वेश्चन को ईजीली कर पाएंगे थ्री तो इन द सेम पैटर्न आप क्वेश्चन नंबर थ्री भी कर लेंगे एक्स माइनस वाई यहाँ पर देख रहे हैं होमोजीनियस टाइप है मैंने बोला था डी एक्स के सारे टर्म्स क्या हैं वन डिग्री वाले हैं ये वन डिग्री वाले बट आपको शो so करना है तो आपको लैंडा एक्स लैंडा वाई से शो so कर सकते हैं या फिर आप वाई वाई एक्स के फॉर्म में फंक्शन चेंज करके भी कर सकते हैं सारे क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी होगी जब आप सब पुट करोगे लुक एट द क्वेश्चन नंबर सिक्स एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स तो ईजली आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं ओके okay? फाइनल में जहाँ पे आपका इंटीग्रेशन में चेंज होगा वहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकती है तो ये तो आपने इसको शो कर दिया कि दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन इट इज होमोजीनियस आपने जब सब्जीट्यूशन पुट किया उसके बाद का सीन देखते हैं हम आफ्टर सब्सिट्यूशन आपके बाद इंटीग्रेशन किस टाइप के आएंगे इस टाइप के डी बी अपॉन वन प्लस बी स्क्वायर अंडर रूड इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स आफ्टर सब्सिट्यूशन तो आप ये सारा कुछ कर सकते हैं ओके सो ना यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन प्रॉपरली सो नेक्स्ट आप तब तक प्रैक्टिस कर लीजिए फिर मंडे को हम इसका डीप डिस्कशन करते हैं एक कैटेगरी और है आप में लीनियर डिफ्रेंशियल क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी देंगे ओके थैंक्स टू ऑल